नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। आज हम लोगों ने सुहास गांव के ग्रामीणों और कंडीशनर ने ज्ञापन एसपी साहब को सौंपा है। विगत दिनों तराना विधायक महेश जी परमार के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा गाँव सुहास के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ में कॉपरेट करने के बाद भी पुलिस द्वारा वहाँ के लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक को नाक में चोट आई और नाक में फ्रैक्चर भी है। साथ ही इनकी गाड़ी और मोबाइल वहाँ जब्त कर रखे हैं। पुलिस की तरफ से कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है कि उस पर कौन दोषी है और कौन नहीं है। इसी के संबंध में आज एसपी साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हम लोगों ने उचित कार्रवाई की मांग की है। अगर कार्रवाई ये लोग नहीं करते हैं तो मानवाधिकार पर हम जाने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही दो दिनों के बाद माकड़न थाने का घेराव करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में आकर पुलिस प्रशासन काम कर रहा है और निर्दोष ग्रामीणों को जबरदस्ती कबूल करवाने के लिए लगा हुआ है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। हो सकता है क्षेत्रीय विधायक के लोग हो या अन्य पार्टी के लोग भी कोई हो सकते हैं, लेकिन हमारी तो यही है कि तो अगर दोषी है तो उसको सजा दे, बाकी निर्दोषों को किसी भी प्रकार के झूठे केस में ना फंसाए। इसी के संबंध में हमने एसपी साहब से चर्चा करी है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, ये ज्ञापन एक प्राप्त हुआ है, इसमें थाना तराना से संबंधित है। एक घटनाक्रम में जो संदेही थे उनसे पूछताछ के दौरान आरोप है कि पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्रता की गई है, तो इसका ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसको वरिष्ठ अधिकारी को जांच के लिए दिया जा रहा है। इसमें जैसे तथ्य आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी।